एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकार को कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर शक है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह मामला वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत श्याम यादव जिला पंचायत के मोहम्मदपुर महुआ में आयोजित कोविड-19 टीकाकरण कैंप का है, जहां कोविड से बचाव के लिए टीका लेने हेतु सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस टीकाकरण केंद्र में क्या पब्लिक, क्या स्वास्थ्य कर्मी, सभी लापरवाह दिखे, जबकि इस पंचायत में अभी भी कोविड-19 के पेशेंट मौजूद है। इस टीकाकरण के दौरान ना तो पब्लिक के चेहरे पर मास्क दिख रहा है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी मास्क पहन के बैठे हैं। कैसे कोविड-19 से बचाव होगा, यह सोचनीय विषय है। इस संदर्भ में हमारी बातचीत पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री विनय साह से हुई, तब उन्होंने बताया कि उपस्थित लोगों को समझाने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है।